जन्म मानवी उसका सफल हो गया, आ गया जो भी एक बार दरबार में, आ गया जो भी एक बार दरबार में। ज्ञान मुक्ति के दाता मेरे सतगुरु, तेरे चरणों में मेरा नमस्कार है, तेरे चरणों में मेरा नमस्कार है। ओ विमल मन ओ प्रकाशित हृदय, ओ विमल मन ओ प्रकाशित हृदय, खुल गए मुक्ति के उसके द्वारे हैं, खुल गए मुक्ति के द्वारे हैं। झोलियां एक नजर में सभी की भरी, झोलियां एक नजर में सभी की भरी, जो भिखारी थे कल आज जरदार हैं, जो भिखारी थे कल आज जर हैं। ज्ञान मुक्ति के दाता मेरे सतगुरु, तेरे चरणों में मेरा नमस्कार है, तेरे चरणों में मेरा नम है। झोलियां एक नजर में सभी की भरी, जो भिखारी थे कल आज दरदार हैं, काम बिगड़ा बना एक पल में सभी, काम बिगड़ा बना एक पल में सभी, याद का जिसने तेरी सहारा लिया, याद का जिसने तेरी सहारा लिया, ज्योति नैया भवर में अभी डूबती, ज्योति नैया भवर में अभी डूबती, अब वही नाव होने लगी पार है, अब वही नाव होने लगी पार है। ज्ञान मुक्ति के दाता मेरे सतगुरु, तेरे चरणों में मेरा नमस्कार है, शाह हो या भिखारी बराबर है सब, शाह हो या भिखारी बराबर है सब, न रहा कोई खाली दरबार में, न रहा कोई खाली दरबार में। ज्ञान मुक्ति के दाता मेरे सतगुरु, तेरे चरणों में मेरा नमस्कार है, तेरे चरणों में मेरा नमस्कार है। वंदों गुरपद कन कृपा सिंधु नर रूप हरी, महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर्म कर, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर कृपा, गुरु कृपा ही केवलम। ऐसे मूढ़ता ऐसे मूढ़ता
मन की ऐसी मूढ़ता या मन की परिहर राम भगत सुर सरिता परिहर राम भगत सुर सरिता आस करते ओस कन की आस करते ओस कन की ऐसी मूढ़ता या मन की ऐसी मूढ़ता या मन की परिहर राम भगते सुर सरिता परिहर राम भगते सुर सरिता आस करते ओस कन की आस करते ओस कन की ऐसी मूढ़ता या मन की धूम समूह निरखे चातक जो धूम समूह निरखे चातक जो त्रसित जान मत घन की त्रसित जान मत घन की नाहित है वारे नसी तलता पुनिहानि होते लोचन की पुनिहानि हो लोचन की ऐसी मूढ़ता या मन की परिहर राम भगते सुर सरिता परिहर राम भगते सुर सरिता आस करते ओस कन की आस करते ओस कन की ऐसी मूढ़ता या मन की जो गच काच दिलों के सैन जड़े जो गच काच दिलों के सैन जड़े छाखा अपने तन की छाखा अपने तन की टूटत अति आतुर आहार बसे टूटत अति आहार बसे क्षति विसार आनन की क्षति विसार आनन की ऐसी
मूढ़ता या मन की परिहर राम भगते सुर चरिता परिहर राम भगते सुर चरिता से करते उस कन की ऐसी मूढ़ता या मन की कह लो कहो कुचाल कृपा निधि कह लो कहो कुचाल कृपा निधि जानत हो गति जन की जानत हो गति जन की तुलसीदास पर कृपा कीजे तुलसीदास पर कृपा कीजे कर भुलाज निजपन की कर भुलाज निजपन की ऐसी मूढ़ता या मन की परिहर राम भगति सुर सरिता परिहर राम भगति सुर सरिता आस करते उस कन की आस करते उस कन की ऐसी मूढ़ता या मन की ऐसी मूढ़ता या मन की सभी भाई बहन सभी सत्संगी भाई बहनों से कुछ बातें निवेदन करनी है। कृपया ध्यान दें। सबसे पहले तो ये कि जिन भाई बहनों के पास मोबाइल सेट है पूजा के समय उनको बंद कर लें अथवा साइलेंस मोड में रख लें और अपने बीच में खाली स्थान न छोड़ें ताकि सभी भाई बहनों को बैठने के लिए ठीक से जगह मिल जाए। अच्छा ये होगा कि सब पंक्तिबद्ध होकर बैठे मोबाइल सेट अपने बंद कर लें अथवा साइलेंस मोड में कर लें। हाथ जोड़कर प्रार्थना है व्यवस्था में सहयोग दें। धन्यवाद। तुमने गर्भ में मूर्त
वह कैसे तुमने बड़ा किया है कुछ मेरी समझ नहीं आया। कैसे तुमने बड़ा किया है कुछ मेरी समझ नहीं। तुमने गर्भ में खाना खुलाया, तुमने गर्भ में खाना खुलाया, तुमने कैसे जल पिलाया कुछ मेरी समझ नहीं आया। कैसा संसार बनाया गुरु मेरी समझ नहीं आया। तुमने पेड़ बनाए तुमने पौधे लगाए, तुमने पेड़ बनाए तुमने पौधे गाए, तुमने कैसे फल लटकाए गुरु मेरी समझ नहीं आया। तुमने कैसे संसार बनाया गुरु मेरी समझ नहीं आया। तुमने कैसे रस ये भरा है, तुमने कैसे रस ये भर है, तुमने कैसे बड़े किए हैं कुछ मेरी समझ नहीं आया। कैसा संसार बनाया गुरु मेरी समझ बोल सतगुरु मां साये में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। साये में तुम्हारे हैं किस्मत ये हमारी है। क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है। क्या पेश करूं तुमको क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी ये हमारी है। नक्शा बड़ा दिलकस है, सूरत बड़ी प्यारी है। नक्शा बड़ा दिलकस है, सूरत बड़ी प्यारी है। जिसने भी तुम्हें देखा, जिसने भी तुम्हें देखा, सो जान से मारी है। जिसने भी तुम्हें देखा, सो जान से मारी है। साये में तुम्हारे किस्मत ये हमारी। तुमने तो हजारों की किस्मत को संवारा है, तुमने तो हजारों की किस्मत को संवारा है।
एक बार तो ये कह दो, एक बार तो ये कह दो, अब के तेरी बारी है, एक बार तो ये कह दो, अब के तेरी बारी है, साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है, हम तेरी जफाओं को इल्जाम नहीं देंगे, हम तेरी जफाओं को इल्जाम नहीं देंगे, तुमने मेरी आंखों में, तुमने मेरी आंखों में एक उम्र गुजारी है, तुमने मेरी आंखों में गुजारी है, साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है, फिर दोष तसोबर में तस्वीर तेरी रख कर, फिर दोष तसोबर में तस्वीर तेरी रख कर, सो आईने तोड़े हैं, सो आईने तोड़े हैं, जब जागे उतारी है, सो आईने तोड़े हैं, जब जागे उतारी है, साए किस्मत ये हमारी है, साए में तुम्हारे है, किस्मत ये हमारी है। नर की सुधिली नाथन तन की सुधिली, तुम बिन दी तुम बिन दीन, तुम बिन दीन दुखी है गोपी, बेगही दर्शन दीज रख
शांति बनाए रखे, निवेदन है शांति बनाए रखे, हम सभी का
बड़ा सौभाग्य है कि हम समर्थ गुरु तन की सुत लीजे ना। पहली अन्न में, दूसरी प्राण में, तीसरी मनु में और चौथी विज्ञान में और पांचवी है आनंद में। हमारे गुरु महाराज साहब जिनका आप चित्र देख रहे हैं, अब से 136 वर्ष पूर्व एटा जिले के चमकरी गांव में हम गृहस्थों के कल्याण के लिए अवतरित हुए थे और अपने गुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा के अनुसार उन्होंने इस रामाश्रम सत्संग की उन्हीं के नाम पर एटा में नींव डाली और उसका प्रचार प्रसार उन्होंने किया। जब एटा में परेशानी होने लगी तो हमारे गुरु महाराज साहब मथुरा आए और मथुरा में लोगों ने उनसे निवेदन किया कि आज सत्संग रखा जाए, तो गुरु महाराज साहब ने कहा अवश्य, लेकिन हम पहले मथुरा के जो मालिक हैं द्वारकाधीश जी उनसे आज्ञा लेकर ही हम सत्संग का कार्यक्रम रखते हैं। और यही उन्होंने किया, मंदिर में गए, निवेदन किया और उन्हें आज्ञा मिल गई। उसके पश्चात उन्होंने मथुरा में सत्संग रखा। तब से इस सत्संग का नाम रामाश्रम सत्संग मथुरा पड़ा। उससे पहले सिर्फ रामाश्रम सत्संग था। उन्होंने हम गृहस्थों के लिए, जो खुद गृहस्थ थे, गृहस्थ संत थे, हम गृहस्थों के लिए बड़ी सरल साधनाएं जो दी है उसके लिए उन्होंने कोई बंदिश नहीं रखी। उन्होंने कहा कि कोई अन्य को मानते हैं, जैसे मुसलमान भाई अल्लाह को मानते हैं, हमारे हमारे हिंदू भाई कोई अनिष्ट को मानते हैं, शिव जी हैं, रामचंद्र जी हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, इस तरह से उन्होंने कहा उसे आप मानते रहिए, नए भाई भी उनके लिए निवेदन है। लेकिन जब जो रामाश्रम सत्संग की जो साधना है, ये आंतरिक ध्यान की क्रिया है, यहां कोई वेदों का ज्ञान नहीं बताया जाता, हम अपने गुरु के आदर्श और आदेशों का बखान करने के लिए आए हैं। और ये निश्चय है कि हम गुरु महाराज साहब के आदेशों के अनुसार चलेंगे तो निश्चय ही हमें उसका फायदा होगा। उन्होंने इसके लिए बंदिश भी नहीं रखी। उन्होंने कहा कि आप इस साधना को 3 महीने तक करके देखिए, जैसा कहा जाए, ये उनका आदेश था, जैसा कहा जाए इस साधना को आप 3 महीने तक करिए और फिर आपके अंदर कोई परिवर्तन आता है या नहीं ये भी जांच करिए, क्योंकि स्वयं की जांच हम स्वयं कर सकते हैं, इसलिए ये भी जांचिए कि हमें कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं, कोई जैसे हम चिड़चिड़ा स्वभाव है या थोड़ी सहनशीलता आई नहीं या अन्य किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े की बातें दिन भर हम इधर उधर से करते रहते हैं, उनमें कमी आई कि नहीं। अगर इनमें कमी आई है तो इसे अवश्य आप करें, अन्यथा छोड़ दें, अन्य जगह की तरह यहां नहीं है,
कि आप जैसे जा ही नहीं सकते या उसके उसमें बन गए, ऐसा नहीं है। आपको अगर पसंद नहीं आ रही है तो आप उसे छोड़ सकते हैं, ऐसा गुरु महाराज साहब ने कहा है। हमारे गुरु महाराज साहब के, जैसा कि मैंने कहा, गृहस्थ संत थे, तीन पुत्र थे और दो पुत्रियां थी, और आज भी उनके चार पौत्र हैं। दो पौत्र यहां आज आने थे, किसी कारणवश वो नहीं आ पाए, तो आपको उनका दर्शन लाभ नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये गुरु महाराज साहब के अंश थे, उन्होंने उनके सबसे छोटे सुपुत्र परम संत प्रेमूर्ति डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी महाराज साहब जयपुर में विराजते थे, मजले भैया जी मथुरा में थे और पंडित जी महाराज टूंडला में थे। इस तरह से सत्संग का प्रबंध गुरु महाराज साहब ने कर रखा था कि हर जगह ये सत्संग फैलता चला जाए, जिनको पसंद आए वो ग्रहण करते जाएं और जिन्हें पसंद नहीं है वो भले ही हट जाएं, ऐसा उन्होंने कहा। उन्हीं के लिए उन्होंने, क्योंकि हम कितनी भी साधना कर रहे हैं, कितने ही यात्राएं कर रहे हैं, धर्म धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन जब तक हम गुरु धारण नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता, हम मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते, जो कि हमारा अंतिम उद्देश्य है। उसी मोक्ष के लिए हम यहां शांति ग्रहण करने के लिए उनकी जो आंतरिक ध्यान की क्रिया है उसका अभ्यास अभी करेंगे थोड़ा। उसके लिए उन्होंने उनके छोटे सुपुत्र प्रेममूर्ति साहब ने बताया कि गुरु क्यों आवश्यक है, यानी कि हम दूसरी पूजा करते हैं तो गुरु क्यों आवश्यक है। आपने पढ़ा होगा कि सभी हमारे महापुरुषों ने गुरु धारण किए हैं, भगवान राम ने किए, भगवान कृष्ण ने किए हैं, सभी महापुरुषों ने हमारे गुरु धारण किए हैं, तो हम क्यों नहीं धारण करें, जबकि उनकी बहुत सरल साधना है और ज्यादा हमें समय भी नहीं देना है। समय के लिए उन्होंने ये लिखा है कि आप 24 घंटे में से 23 घंटे आप सांसारिक कार्य करते रहें, क्योंकि हमारा जो परिवार है ये भी तो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम जो भी कार्य करते हैं वो 23 घंटे तक बड़े आराम से करते हैं और गुरु की तरफ नजर भी नहीं उठाए। लेकिन उन्होंने कहा एक घंटे के लिए, जिसमें से आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम, एक निश्चित समय पर, यानी अपना समय निश्चित कर रहे हैं कि हमें शाम को इतने बजे करना है और सुबह इतने बजे करना है, और निश्चित स्थान पर। अगर आप कहीं जा नहीं रहे हैं तो एक स्थान के भी निश्चित कर रहे हैं कि हमें यह साधना करनी, तब आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहां जो भी है गुरु महाराज साहब की साधना होगी, यहां गुरु महाराज साहब की शक्ति सब जगह विराजमान है, उनकी जो शक्ति है वो यहां फैली हुई है। हमारे परम पूज बड़े भैया जी ने तो लिखा है कि आप सत्संग में बैठते हैं तो आप गुरु से कुछ मांगिए मत, आप उनकी शक्ति को खींचिए, यानी जो शक्ति यहां व्याप्त है उसे आप खींचे, मांगने की तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए। वैसे मांगने के लिए तो स्वयं उन्होंने लिखा है, अगर कोई पहली बार हमारे सत्संग में आते हैं, कोई इच्छा लेके आते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारे पुराने भाई बहन सभी तो जानते हैं इसके बारे में, ये पूर्णतः सत्य है। तो इसी के
गुरु क्यों आवश्यक है? परम पूज्य ने बताया कि गुरु के तीन शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इसमें परम भागवत पंडित जी महाराज ने बड़ा स्पष्ट लिखा है कि हमें गुरु का स्थूल रूप अवश्य चाहिए। जो ये कहते हैं कि स्थूल रूप की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ये जो प्रकाश की धार है वही काम कर देगी, तो वो गलती करते हैं, वो मकारी कर रहे हैं। इस तरह तक पंडित जी महाराज ने लिखा है। इसीलिए गुरु का स्थूल रूप आवश्यक है, क्योंकि किसी स्थूल रूप पर ही हम अपना केंद्र रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और हमारे धर्मों में भी परमात्मा का जो रूप है प्रकाश स्वरूप माना है। हमारे हिंदू भाइयों में प्रकाश स्वरूप यानी परमात्मा का जो रूप है वो प्रकाश स्वरूप है। और हमारे मुसलमान भाई भी मानते हैं कि खुदा नूर है, खुदा यानी परमात्मा, नूर यानी प्रकाश स्वरूप है। और हमारे फॉरेनर्स भी कहते हैं कि गॉड इज लाइट, यानी कि सारे विश्व में ये सर्व मान्य है कि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। तो इसीलिए पंडित जी महाराज ने लिखा उसके लिए स्थूल रूप चाहिए। तो आगे उन्होंने लिखा और एक संत नामदेव जी के उदाहरण से हमें बताया है कि दक्षिण में पंडरपुर बड़ा मशहूर स्थान है, आज भी वहां मेला लगता है। आध्यात्मिक लोग संत इकट्ठे होते हैं वहां। तो उस पंडरपुर में एक संत नामदेव जी रहते थे और वो भगवान विट्ठल जो थे उनके शिष्य थे। भगवान विट्ठल उनसे स्वयं बात किया करते थे और उन्हीं के हाथ से दूध इत्यादि किया करते थे। तो इस चीज का संत नामदेव जी को अहंकार हो गया कि विट्ठल भगवान तो वो मैं जो कहूंगा वो काम करेंगे। तो जो महापुरुष होते हैं अपने जो शिष्य होते हैं उनका अहंकार अवश्य नाश करते हैं। वो अहंकार ही हमारा ऐसा है जो हमें आगे नहीं बढ़ देता। आज भी ये पोजीशन है कि हमारे गुरु महाराज साहब के जो भी हम साधक लोग हैं हम सोचते हैं कि मैं उनका सबसे प्रिय हूं, दूसरे सोचते हैं कि मैं सबसे प्रिय हूं, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम सब उनके प्रिय हैं और कोई भी उनका प्रिय नहीं। ये भी है, हमारे गुरु महाराज साहब ने भी इसके लिए यहां कोई दक्षिणा नहीं ली जाती, लेकिन एक दक्षिणा अवश्य है। उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना मन दे दो, क्यों मन इतना चलायमान है कि ये अभी यहां है फिर अभी बॉम्बे पहुंच गया कहीं विदेश में पहुंच गया। तो उसको यानी कि साधना करते समय हम मन को उस स्थूल रूप पर पहले केंद्रित करें, ये उन्होंने कहा है। जो संत नामदेव जी का जो अहंकार था जो दूर करना था, तो एक दिन पंडरपुर में ही एक संत गोराजी कुमार हुए हैं, आपने पढ़ा होगा। वहां संतों की मंडली की गोष्ठी हुई, इसमें संत ज्ञानेश्वर जी थे और गोराजी थे, आपके संत नामदेव जी थे। इन्होंने सब वहां जो मंच इकट्ठी हुई तो एक वो थी, एक उनमें मुक्ताबाई भी थी जो कि उनसे गोराजी से काका कहा करती थी। तो वहां इकट्ठे हुए तो उन्होंने कहा
मुक्ता भाई ने देखा कि पास में एक लकड़ी पड़ी हुई है। उसे देखकर मुक्ता भाई बोली कि हे काका, ये क्या है? तो गोरा जी बोले, ये हमारी थापी है, लकड़ी है, इसे थापी बोलते हैं। हम कुम्हार हैं, बर्तन बनाते हैं, तो इस थापी से ही हम देखते हैं कि कौन सा घड़ा कच्चा है और कौन सा पक्का है। तो मुक्ता भाई बोली, हे काका, आप हम संतों को भी देखो कि हमें कौन सा कच्चा है और कौन सा पक्का है। इस तरह से संत गोराजी अपनी मौज में थे, उन्होंने थापी उठाई और संतों की पीठ पर मारना शुरू किया। इस तरह से उन्होंने अन्य के मारने के पश्चात जब संत नामदेव जी का नंबर आया तो उससे पहले ही वो सोच रहे थे कि गोरा जी तो वास्तव में सठा गए हैं, हम संतों को इस तरह बजा के देखने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन चूंकि वो साकाराचार पूरा होना था, उन पर ही उन्होंने वो थापी मारी, तो उसे वो सहन तो कर गए, लेकिन उन्होंने अपने को अपमानित महसूस किया और वो वहां से उठकर चल गए। उठकर चले गए तो उस समय ही जब वो जाने लगे तो बीच में ही मुक्ता भाई बोली कि हे काका, हमें ये तो बताइए कि हम संतों में कौन सा कच्चा है और कौन सा पक्का है। तो गोरा जी बोले, देखो और तो सभी ठीक हैं, लेकिन ये नामदेव ही कच्चा है सबसे। तो इसे सुनकर और जब तक ये इस संतों के सेवक जो बिसोवा जी हैं उनको गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक इनका कल्याण नहीं होगा। तो ये तो और भी उनके अपमान होने की बात थी, क्योंकि बिसोवा जी तो उन संतों के सेवक थे, इसलिए वो सोच रहे कि ये इन्होंने मुझे गलत साबित किया है। तो सीधे पंढरपुर में भगवान विट्ठल के मंदिर में जाकर रोने लगे। काफी देर हो गई, भगवान विट्ठल प्रकट हुए तो तब उन्होंने उनसे कहा कि वैसे तो आप मुझसे कहते हैं कि तुम मेरे बहुत प्रिय हो, लेकिन आज मेरा इतना अपमान हुआ है और आप उसे देखते रहे, आपने कुछ भी नहीं कहा। तो भगवान विट्ठल चुप रहे। उसके बाद फिर उन्होंने यही बात दोबारा दोहराई तो भगवान विट्ठल बोले कि देखो, ये पूर्णतः सत्य है कि तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, लेकिन ये बात भी पूरी तरह सत्य है कि जो गोरा जी ने तुम्हें कहा है कि जब तक तुम विसोवा जी को अपना गुरु नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। यानी कि गुरु इतना जरूरी है बनाना, ये भगवान विट्ठल ने भी उनसे कह दिया। तो इस तरह उसने सोचा कि भगवान भी मेरे नहीं सुन रहे हैं, तो अंत में वो वहां से उठकर विसोवा जी के गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुंचे, क्योंकि भगवान का आदेश था, तो वहां पूछा तो लोगों ने बताया कि आप गांव के बाहर एक मंदिर है, उस मंदिर में विसोवा जी आपको मिले। तो वो उस मंदिर के अंदर गए, वहां देखा कि विसोवा जी एक फटा सा चद्दर लपेटे हुए बैठे हुए हैं और उनके जो पैर हैं शिवजी का मंदिर था शिवलिंग के ऊपर रखे हुए हैं। तो ये देखकर नामदेव जी को और भी झुंझलाहट हुई, अरे मुझे ऐसे आदमी को गुरु बनाने के लिए कह दिया है, लेकिन भगवान विट्ठल यानी भगवान का आदेश था तो उन्हें पूरा करना ही था। तो उन्होंने उनको देखा, विसोवा जी को तरफ देखा तो विसोवा जी बोले, अरे नेम्या तू आ गया, वो हमेशा पहले उससे
नामदेव जी कहा करते थे, लेकिन आज और जिससे कि वो यहां से दूर हटे उनसे बोले क्या नेमा तू आ गया? कोई बात नहीं, ये सुनकर फिर बोले अरे बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, आपके जो पैर हैं भगवान शिवलिंग के ऊपर रखे हुए हैं, ये गलत है। तो विश्वभा जी बोले देखो मैं बड़ा शक्तिहीन हो गया हूं, ऐसा करो मेरे पैरों को उठाकर तुम दूसरी जगह रख। उन्होंने उठाकर दूसरी जगह रखा तो क्या देखते हैं कि वो जो शिवलिंग था उनके पैरों के नीचे ही प्रकट हो गया, यानी वो विग्रह जो था शिवलिंग उनके पैरों के नीचे ही प्रकट हो गया। इस तरह उन्होंने तीन बार किया और तीन बार यही क्रिया दोहराई, तब उनको विवेक जागृत हुआ। अरे कि मैं कितना मूर्ख हूं जिसके चरणों को सहारा देने के लिए भगवान अपना स्थान बदल देते हैं, मैं उन्हें गुरु बनाने में हिचक रहा हूं, मैं कितना मूर्ख हूं। इस तरह से ये सोच के उन्होंने विश्वभा जी के चरण पकड़े, यानी कि जो उनका सूक्ष्म अहंकार था उनके चरणों में समर्पित कर दिया। इस तरह से उनको आगे चल के मोक्ष प्राप्त हुआ, यानी कि गुरु की इसलिए आवश्यकता है। एक दूसरा उदाहरण भगवान कृष्ण का है कि जब भगवान कृष्ण द्वारका में थे तो वहां गोपियां थी, उन्होंने महाभारत समाप्त हो चुका था, अर्जुन को उन्होंने द्वारका पुरी बुलाया कि हे अर्जुन तुम एक कार्य करो, ये गोपिकाएं इनको वृंदावन पहुंचाओ। बोले हां महाराज मैं इनको वहां पहुंचा दूंगा। और साथ ही भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखिए मैंने इनको इतना द्रव्य दिया है, तुम इनकी हिफाजत से इनको ले जाना, पूरी तरह से इनकी रक्षा करना। अर्जुन को तो अपना अहंकार था कि महाभारत मैंने ही सृष्टि किया, कि मेरे गांडीव की वजह से ये महाभारत हमने जीता है। तो बोले हां महाराज पूरी तरह सुरक्षा के मैं ले जाऊंगा, नहीं भले ही तुम्हें इसके लिए सेना ले जानी हो तो सेना भी ले जा सकते हो। बोले नहीं मैं अकेला ही हूं। ये अर्जुन के अंदर अहंकार था कि मैंने गांधी से ही ये जो महाभारत जो हुआ है मेरे गांधी से हुआ है। तो भगवान मुस्कराए, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। इस तरह से अर्जुन उन गोपियों को लेकर द्वारकापुरी से चला, तो बीच में एक आदिवासियों का क्षेत्र है वहां पर अर्जुन आया। जैसे अर्जुन तो इधर आने लगा और भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को चले गए उसी समय। तो वो क्या देखते हैं उनको भीलों ने घेर लिया, भीलों ने घेर लिया, उसने गांडीव को खूब सहारा लिया, गांडीव चलाया, लेकिन कोई उनकी पार नहीं थी। अंत में उसने देखा मेरा गांडी भी काम नहीं कर रहा है। गोपियों ने भी देखा कि अर्जुन ऐसा निशायसा लग रहा है कि हमारी सहायता नहीं कर पाएंगे, तो उस समय उन्होंने वहीं आत्मदाह कर लिया सब। और वहीं वो जो वहां गोपी कुंड बना हुआ है उन गोपियों ने वहां अपना आत्मदाह कर लिया। तो इस तरह जब अर्जुन ने देखा तो फिर वहां से आगे चल दिया, आगे चला तो क्या देखते हैं को वो ब्यास जी के चरणों में उपस्थित हुआ। ब्यास जी ने देखा कि अर्जुन आ रहा है, आज अर्जुन बड़ा कांतिहीन नजर पड़ रहा है, यानी कि इसकी कांति बिल्कुल गई हुई है, घबराया हुआ प्रतीत होता है,
तो उन्होंने इसका कारण पूछा, तो उन्होंने सारी बातें बता दी व्यास जी को। तो व्यास जी ने कहा कि हे अर्जुन, तुम बड़े मूर्ख हो, अब भी तुम ये समझे बैठे हो कि महाभारत मैंने इस गांडीव से के द्वारा मतलब सर किया है। ये तो तुम्हारे गुरु भगवान कृष्ण तुम्हारे सखा भी थे, उनके गुरु भी थे, उनकी कृपा थी। भगवान इस दुनिया से चले गए अपने लोक को, और इसीलिए तुम्हारी सारी शक्तियां छीन हो। इसीलिए गुरु का करना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें वास्तव में इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, यानी अपना कल्याण करना है, उसी कल्याण के लिए ही तो हमारे गुरु महाराज साहब आए थे, और उन्होंने ही हमें एक बड़ी सरल साधना दी थी जिसे आंतरिक ध्यान की क्रिया कहते हैं। वैसे तो हम सभी धार्मिक कोई न कोई कार्य करते रहते हैं, रामायण पढ़ते हैं या गीता सुनते हैं, मंदिर में जाते हैं या कीर्तन करते हैं, ये सब बाहरी सत्संग बोलते हैं इसको, बाहरी सत्संग है। गुरु महाराज साहब ने कहा इस बाह्य सत्संग से काम नहीं चलेगा खाली, इससे तो हम इस रास्ते में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, हमें अपने अंतर की सफाई करनी होगी। अंतर मीन्स हमारी जो अंतरात्मा, यहां विराजमान है हृदय के अंदर, उसकी सफाई करनी है। उस पर मल और आवरण जमे हुए हैं, वो जब तक साफ नहीं होंगे तब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा, और मन स्थिर नहीं होगा तो हम शांति को ही प्राप्त नहीं करें। और जब ये दोनों स्थिर और शांत हो जाएंगे तभी हमारा मन निर्मल होगा, अन्यथा नहीं। उसके लिए उन्होंने कहा कि आप स्वयं ये एक साधना है, उसे आप अवश्य किया करें। और वो साधना इस प्रकार है, उस साधना को करने के लिए हम सबसे पहले एक ऐसे सुखमय आसन से बैठ जाएं जिसमें करीब 25-30 मिनट तक रिलैक्स रहें, आंखें हल्के से बंद कर लें, और फिर ऐसा देखें कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे परमात्मा, हमारे गुरु भगवान, और नए भाई बहन जो किसी अन्य को मानते हैं, इस समय वो इन उसी को देखें, अपने इष्ट को सामने देखें, कि हमारे इष्ट हमारे सामने स्थूल रूप में प्रकाश स्वरूप विराजमान है, उनके हृदय से प्रकाश निकलकर हमारे हृदय में आ रहा है। हमारा हृदय यानी ये गुरु महाराज साहब ने हृदय को दो भागों में बांटा है, एक तो है पिंडी हृदय, नहीं दूसरा, एक तो पिंडी हृदय और दूसरा ब्रह्मांडी हृदय। ब्रह्मांडी हृदय सारे बॉडी को कंट्रोल करता है, और पिंडी हृदय हमारे ब्लड वगैरह को ऊपर पहुंचाता है, जिससे शरीर का ये सारा काम चलता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे इष्ट प्रकाश स्वरूप विराजमान है, उनके हृदय से प्रकाश निकलकर हमारे हृदय में आ रहा है, इस हृदय में हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, और हम उस प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। जब हम उस प्रकाश में लय होते मालूम पड़े तो उस समय आप सामने जो स्थूल रूप है गुरु का या इष्ट का, उसे छोड़ दें, फिर आप अंतर में ही उसे देखें कि हमारा हृदय प्रकाशित स्वरूप हो गया है और हम उसमें लय होते जा रहे हैं। पहले सत्संग की दो प्रार्थनाएं हैं, जिन भाई बहनों को याद हैं वो एक स्वर से गाएंगे, अन्यथा शुरू से ही साधना करते रहेंगे कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है,
हमारे हृदय में भर रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है और हम उस प्रकाश में लय होते जा रहे हैं। सवेरे प्रातः पहली सिटिंग में पूज्य शर्मा जी बता रहे थे कि 84 लाख योनियां होती और उनमें मनुष्य योनि श्रेष्ठ। कहा है निद्रा भोजन भोग भय यह पुरुष समान, पुरुष ज्ञान निज अधिकता ताबिन पशु समान। भोजन खाना, निद्रा सोना, सोना खाना भोग विलास और भय, ये चार प्रकार की क्रियाएं हैं जो सभी योनियों में होती हैं। ये केवल चार ही क्रियाएं जो सब में समान हैं, पुरुष ज्ञान निज अधिकता तादृश पशु समान। पुरुष में मनुष्य में ज्ञान अधिक है, बस ये श्रेष्ठ बनाता है। अगर वो ज्ञान नहीं है तो फिर मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं, केवल हमारी शक्ल सूरत का अंतर है, मनुष्य का आकार हमें मिला है बस, बाकी कार्य व्यवहार हमारे सब वैसे ही होंगे जैसे पशु करते हैं वैसे हम करते हैं। तो मनुष्य योनि जो परम दुर्लभ है, मानस तन सदगुरु मिलन मुख्य इच्छा हो यह तीनों दुर्लभ परम उपाय से योगन को, ये भगवत कृपा से मिलती है। मनुष्य योनि की प्राप्ति भगवत कृपा से होती है। और दूसरा मानव तन सदगुरु मिलन, दूसरा है एक तो भगवत कृपा से मनुष्य की योनि प्राप्त हुई, दूसरा सदगुरु मिलन, कोई ऐसे महापुरुष मिल जाए, सदगुरु मिल जाए जो हमें इस संसार से आवागमन के चक्र से छुड़ा दे, पार लगा दे और मोक्ष की इच्छा हो, मोक्ष की कामना। तो ये तीनों चीजें अगर मिल जाएं तो फिर मनुष्य को ऐसे सुंदर अवसर का लाभ ले लेना चाहिए। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि भगवत कृपा से हमें मनुष्य योनि भी मिली है और समर्थ गुरु का सत्संग भी मिला हुआ है और मोक्ष की कामना तो है ही जब यहां आए हैं। इसलिए क्योंकि कर्म योनि है इसलिए इसी में हम कर सकते हैं अपने कल्याण के लिए, तो हमें वो ज्ञान जिसमें शांति है वो प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञान दो प्रकार का है, एक तो संसार का ज्ञान, दूसरा परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा का ज्ञान पराविद्या और संसार का लौकिक अपराविद्या। तो हम संसार का ज्ञान प्राप्त तो बचपन से ही करने लगते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, पढ़ते हैं लिखते हैं। और परमात्मा का जो ज्ञान है वो बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं कि जब संसार के सारे कामों से निवृत्त हो जाएंगे तब भगवान का भजन तो बुढ़ापे में करेंगे। जबकि हम ये जानते नहीं हैं कि क्या बुढ़ापा आने तक हम रहेंगे भी या नहीं, और अगर रहे भी तो बुढ़ापे में
फिर चलना फिरना कम हो जाएगा, घुटनों में दर्द होता है, कानों से सुनाई नहीं देता, आंखों से दिखाई कम देता है। तो ऐसी सूरत में क्या इस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे? फिर भी अगर करते भी हैं तो ऐसे समझें कि जैसे किसी यात्री को नदी पार करनी हो, किनारे पे खड़ा हो और फिर वो तैरना सीखे। कैसे संभव है कि वो तैर के पार जा पाएगा? इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जैसे अभी पूज्य सिंह साहब बतला रहे थे, 23 घंटे संसार के काम करें और एक घंटा इसके लिए दें और ये दोनों चीजें साथ साथ चले। संसार का ज्ञान यह हमारे जीव को पार्जन के लिए है, ये बस इतना ही काम आता है, इससे ज्यादा इसका महत्व नहीं है। इसलिए महापुरुषों ने इस ज्ञान को ज्ञान ही नहीं माना, तो कहते ये भी अज्ञान है। ज्ञान वही है जो आध्यात्म ज्ञान है, जो परमात्मा का ज्ञान है, उसे प्राप्त करना है। और उसको प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने हमें कर्ण दिए, चतुर्दश कर्ण, 14 इंद्रियां दी हैं। कर्ण माने इंद्रियां, 14 इंद्रियां दी हैं जिनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 8 कान नाक जिह्वा त्वचा, 5 कर्म इंद्रियां, हाथ पांव वाक गुदा उपस्थ, और 5-4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतःकरण जिसको कहते हैं। तो प्रथम जो 10 हैं वो संसार का बाहर का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बाहर का या देखकर सुनकर स्पर्श करके सूंघ के किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए सर्वप्रथम हमारा मन जो है वो चलता है, सबसे आगे रहता है। तो मन इन इंद्रियों के माध्यम से जिस विषय या वस्तु पर संलग्न होता है वह उस विषय को का ज्ञान प्राप्त करता है, कुछ तदाकार होकर के ज्ञान प्राप्त करता है। मन की शक्ति है संकल्प, बुद्धि की है निर्णय करने की, चित्त धारण कर लेता है, अहंकार सब में रहता है, हर एक के साथ रहता है। तो मन जिस विषय या वस्तु के साथ रहेगा, संलग्न होगा, वो बुद्धि को देगा, बुद्धि निर्णय करेगी, चित्त धारण कर लेता है उसको, इस तरह ज्ञान हो जाता है। तो बाह्य जो इंद्रियां हैं हमारी वो हमें संसार का ज्ञान कराती हैं, और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार ये परमात्मा का ज्ञान कराते हैं। मन ही हमें संसार का ज्ञान कराएगा, मन ही हमें परमात्मा का ज्ञान कराएगा। अब चूंकि जन्म जन्मांतर से हमारा मन बहिर्मुखी हो रहा है, बाहर को देख रहा है, इसलिए इसकी आदत इस तरह की हो गई है संसार को देखने की, बहिर्मुखी हो गया है, बाहर को दौड़ता है, बाहर की चीजें उनका ज्ञान कराता है।
परमात्मा हमारे अंदर है, जैसा कहा है ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से स्थिति, ईश्वर हमारे हृदय में है। तो ईश्वर तो हृदय में है और मन हमारा बहिर्मुखी है, चाहे ईश्वर की तलाश में जाए लेकिन बाहर जा रहा है। चलो उस तीर्थ में चलो, इस तीर्थ में चलो, वहां मंदिर में चलो, तो उसकी दूरी और बढ़ती जाती है बजाय उसकी नजदीक होने की, उल्टा दूर होता जाता है। जाने का तो मन, लेकिन तब जानेगा जब उसके समीप जाएगा। और स्थिति यह है कि जीव का स्थान, मन का स्थान वो भी हृदय है और ईश्वर का स्थान भी हृदय है, दोनों अति निकट हैं। बीच में एक झीना सा कोई पर्दा है जो उसको अंतर कर रहा है। अब उस पर्दे को हटाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। वो मन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहिर्मुखी हो रहा है। अब अगर वो अंतर्मुखी हो, बाहर जाने की आदत बदले, तब परमात्मा की समीपता हो, तब उसकी जानकारी हो। तो ये जो हमारे अंतःकरण है यही इसमें काम करता है। गुरु महाराज की जो साधना है वो आंतरिक साधना है, आंतरिक सत्संग, आंतरिक साधना, इसलिए कि ईश्वर अंतर में है। उन्होंने कहा ज्ञान ज्ञान अंतर में है, ज्ञान में शांति है और ज्ञान अंतर में है, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें आंतरिक साधन करने। तो जो चीज अंतर में है उसके लिए आंतरिक साधन करने होंगे। ये जो आंतरिक सत्संग है इसकी साधना आंतरिक है। आंतरिक से यही है कि हमारा जो मन बहिर्मुखी है, जो हमारी वृत्तियां हैं बाहर जा रही हैं, वो अंतर्मुखी हो। प्रेम मूर्ति परम संत छोटे भैया जी साहब फरमाते थे कि हमारी साधना तीन काम करती है, हमारी जो वृत्तियां बहिर्मुखी हैं उनको अंतर्मुखी करती है, दूसरा मन को स्थिर और शांत करती है, और तीसरा इस दोनों क्रियाओं का फल होता है कि हमारा हृदय निर्मल होता है। ये आंतरिक साधना इसीलिए है, अंतर में जो बैठा हुआ परमात्मा है उसका दर्शन करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए, तब शांति मिलेगी। इस साधना को करने से ही, आंतरिक साधना को करने से ही हमें समीपता हासिल होगी। जैसे बताते हैं गुरुजन, वैसे एकनिष्ठ होकर के पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इसको किया जाए तो परिणाम बहुत शीघ्र ही दिखाई पड़ने लगते। कहा है यस्य देवे परार भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कच्चताम हेरता प्रकाशन्ति महात्मना श्वेता उपनिषद। लेकिन जैसी श्रद्धा हमारी ईश्वर में होती है पराभक्ति के लिए, ठीक वैसी ही श्रद्धा जब हमारी गुरु में हो, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरु, तब जाकर के तस्यते कत्ताम हेता प्रकाशन्ते महात्मना, तब वह कृपा करके शिष्य के हृदय में वह दर्शन करा देते हैं।
लेकिन ये है कि जैसी पराभक्ति के लिए हमारी आस्था श्रद्धा विश्वास ये ईश्वर में होता है, ठीक वैसा ही गुरु में हो। अगर हम गुरु में ऐसा विश्वास रख के करेंगे तो लाभ होगा। तो इसको करने के लिए एक एक जो है परम पूज्य बड़े भैया एक दृष्टांत दिया करते थे कि एक जो है वो एक गांव में कहीं राज्य था, उस राज्य में इस तरह का सिस्टम था कि राजा जो है वो पूछ के बनाया जाता था। जब भी राजा का कार्यकाल निश्चित था कि भाई इतने समय के लिए राजा बनाना है तो वो ऐलान करवाया जाता, ऐलान करा दिया जाता कि नए राजा का चयन होगा, जो भी राजा बनना चाहे वो अपना नाम दे दे। तो जो लोग आयु में बहुत वृद्ध होते, दुनिया देख ली, संसार के काम कर लिए, ऐसा बड़े बूढ़े आदमी अपना नाम दे दिया करते थे, राजा बन जाते, कब हमें क्या करना है, जीवन तो देख लिया। एक बार ऐसा हुआ कि किसी नए लड़के ने अपना नाम दे दिया, पर उसके साथ में कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि इतनी अवधि समाप्त होने के बाद फिर उसको जंगल में भेज दिया जाएगा। एक पानी से में टापू था तो वहां टापू में भेज देते, वहां जंगली जानवर रहते, जंगल भी था, जंगली जानवर भी थे, तो उसको मार के खा जाते। और वो ये जो है लड़के ने नाम दे दिया तो उन्होंने बुलाया और उसको पूछा कि भाई तुमने राजा बनने के लिए नाम दिया है, शर्तें तुमको मालूम है? और उन्होंने कहा हां साहब मालूम है, इसके बाद आपके को कहां भेजा जाएगा? और साहब मुझे सब मालूम है, आप तो ये बताओ कि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं जो चाहूं सो कर सकता हूं? उन्होंने कहा अरे जो तुम चाहो वो करो, तुमसे कौन कहने वाला है, तुम तो राजा हो गए, जो खुद ही राजा हो तो जो मर्जी हो जो करो, तुम्हें कौन रोकेगा? उन्होंने कहा ठीक है सर, फिर मैं तैयार हूं, आप राजा बना दो। तो राजा बन गया। राजा बनते ही उसने सबसे पहला काम किया कि उस टापू तक के लिए एक पुल का निर्माण करवा दिया, सब लेबर लगा दिए, एक पुल बनाओ और टापू के लिए पुल बनवा दिया। जब पुल बन गया तो उन्होंने कहा अब जो है ना इसकी काट छांट कर दो, जंगल की सफाई करो और नया निर्माण कार्य चालू करो, या मकान बनाओ, दुकान बनाओ, रहने का इंतजाम करो। ऐसे करके उन्होंने वहां एक नगर बसा दिया। जैसे ही उसका कार्यकाल पूरा हुआ, उसको वहां भेजना था, शर्त के अनुसार वहां भेजा गया। जब वहां भेजा गया तो वहां का राजा बन गया। तो ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ये करने के लिए मिला है। गुरु महाराज ने ऐसी ये शॉर्टकट साधना दी है, अद्भुत साधना, कि जिसमें कम से कम समय में फिर सुबह शाम ध्यान कर लो, बैठ जाओ, मन लगे नहीं लगे इसकी भी कोई बात नहीं। पंडित महाराज ने बहुत बढ़िया बात बताई, भाई हमारा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। किसी ने कहा कि साहब मन नहीं लगता, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप ऑफिस में जाते हो, हाँ साहब जाते हैं, कभी चश्मा भूल गए तो अब काम करने की स्थिति तो नहीं है कि बिना चश्मे के दिखलाई नहीं देता, पहन लिया हाजिर कर दी, जाकर के हाजिरी कर दी, दिन भर काम नहीं किया, कोई बात नहीं, जब तनख्वाह मिलेगी तो उस दिन की भी उतनी मिलेगी, आपकी हाजिरी हो गई तो तनख्वाह, चाहे काम भले ही नहीं किया लेकिन चूंकि आपने हाजिरी कर दी तो उस दिन की भी तनख्वाह पूरे महीने की मिलेगी, आपको उसकी मिलेगी। ऐसे हाजिरी देना जरूरी है,
इसमें निरंतरता जरूरी है, कंटिन्यूटी, कि सुबह शाम निरंतर बैठे, रेगुलर बैठे, बैठ जाए। खाली समय में आपने कहा याद कर लो, खाली समय में याद कर लो, बस जैसा ख्याल वैसा हाल, ऐसा लिखा है, तो उसको चिंतन कहते हैं। तो भाई चिंतन कर लिया खाली समय में, चाहे टहलते समय कर लिया, वैसे कर लिया, थलुआ बातों में हम अपना वक्त गुजारते रहते हैं, तो उसके बजाय गुरु महाराज का चिंतन कर लें, सुबह शाम का ही ध्यान कर लें, है क्या नहीं? और इससे इतने से ही हम चिंतन करते रहें, उनसे जुड़े रहेंगे, अंदर से हमारा जो है, जब इस साधना को करेंगे तो हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी होंगी, अंतर्मुखी होंगी तो मन जैसे बाहर ले जाता है वैसे अंदर को चलेगा, अंदर को चलेगा तो अंदर की बात जानेगा, ये है। तो ये आंतरिक साधना केवल इसीलिए है कि इससे हमें परमात्मा का ज्ञान होगा, वो इस आंतरिक साधना से ही होगा। बड़ी सुलभ और बहुत ही सरल साधना है, अद्भुत साधना है। तो इसको करने में हम सभी का कर्तव्य है कि मनुष्य योनि का ये जो मिली है इसका लाभ उठावें और इस साधना को अपने कल्याण के लिए अगर नियमित रूप से करेंगे तो निश्चय ही हम इस परमार्थ पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। ओम शुभ। ये नैवेद्य जो यहाँ रखा हुआ है सब उन्हीं का दिया हुआ है, फिर भी अपनी श्रद्धा बस उन्हें एक दो मिनट आंख बंद करके गुरु महाराज का ध्यान करें, उनकी उपस्थिति साक्षात उपस्थिति है, और इस नैवेद्य को पुनः गुरु महाराज का ध्यान करके उनको अनन्य भाव से प्रेम सहित अर्पण करें। प्रसाद आप तक पहुंच रहा है, एक भजन के बाद ये सभा समाप्त होगी, भोजन तैयार है, सभी भोजन करके जाएं, वो भी एक प्रसाद है। और कल प्रातः हमारी आखिरी सभा होगी इस कार्यक्रम की, ठीक 8:30 बजे, सभी समय से उपस्थित हों, गुरुजन विदा होंगे, इसलिए 8:30 ठीक प्रारंभ हो जाएगी। जो प्रसाद अपना लाना चाहें वो ला सकते हैं, यहां से तो प्रसाद महाप्रसाद मिलेगा ही, जो लाना चाहें वो लाकर अपना खोल कर यहां बैठ जाए, जिस समय प्रसाद अर्पण हो उस समय खोल लें। एक भजन होगा ये सभा विसर्जित हो जाएगी। पीछे लो थोड़े।
कल बहुत होगी। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और बहन जी साथ साथ बच रही और तू उदास है, अचरज है जल मेरे के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा है, फूलों में सुवास एक में मिठास है, फूलों में सुवास एक में मिठास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल मेरे के भी मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, कुछ तो समय निकाल आत्मशोध के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्मशोध के लिए, मानव जन्म का लक्ष्य न केवल विलास है,